हेलो नमस्कार, यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, क्लास 10 इंग्लिश का, जो आपके इस बार भी काम आ सकता है। और टोटल आपके 70 नंबर का है, तो 70 में से 70 भी आप बना सकते हैं यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। जो सेक्शन ए है उसमें आपके पैसेज हैं, यानी पैसेज के जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए भी। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करें कि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और सेक्शन बी है, इसमें आपको लेटर करना है, इसमें आपको लेटर करना है, और अथवा में भी आपके दे रखा है, इसमें भी आपके लेटर हैं। तो सभी को अच्छे तरीके से सोल्व करना है इस पेपर को। जो 12 का क्वेश्चन है, इसमें आपको 60 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। इसमें आपके दो पैराग्राफ हैं, और एक तो आपके एनुअल डे फंक्शन है, और उसके अथवा में आपके आया है क्लीन इंडिया मिशन। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और अच्छा पेपर है, अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। 13 का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको 75 वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिखना है, और जो इमेज दे रखी है, ये फोटो दे रखी है, ये किसकी है, तो इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। और इसके अथवा में आपको दे रखा है मिड डे मील, इस पर आपको 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। तो आप अथवा वाला कोई भी कर सकते हो। सेक्शन सी के अंदर आपको ग्रामर है, ग्रामर के अंदर आपका जो टॉपिक है टेंस करेक्ट फॉर्म, वो आपको करना है इसके अंदर। और 15 का जो क्वेश्चन है, वो आपके एडवर्ब प्रोनाउंस का है। इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों को आपको सोल्व करना है। 16 का जो क्वेश्चन है, आपकी पैसिव वॉइस का है, यानी जो एक्टिव वॉइस दिए रखे हैं आपको, और उसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर, 2 नंबर के हैं। 17 का जो क्वेश्चन है, वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच का, इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 18 क्वेश्चन में आपके मॉडल्स हैं, जो दो दे रखे हैं आपको, और एक है वो 1 नंबर का है, यानी 2 नंबर के आपके मॉडल, तो आपको सोल्व करना है, इनको भी याद करना है। सेक्शन डी के अंदर आपको पैराग्राफ दे पेसेज है, पेसेज सोल्व करना है, पेसेज सोल्व करना है, पेसेज के क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके, इस बार भी आपके काम आ सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें इन क्वेश्चंस को। 21 का जो क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बुक के क्वेश्चन हैं, और उनमें आपके चैप्टर के नाम भी लिख रखे हैं। 22 का भी आपके बुक का है, 23 का आपके एक्सप्लेन, तो ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, और 4 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में। इसमें आपको दो दे रखे हैं, दोनों को आपको याद रखना है। एक तो आपके रिस्क वाले चैप्टर से है, और सेकंड आपके फ्लोरा वाले चैप्टर से है, तो इसको भी आप याद करें। 24 का जो क्वेश्चन है, वो आपके है 40 वर्ड के अंदर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो दो क्वेश्चन आपको पूछे हैं। और 25 का जो क्वेश्चन है, वो आपके 80 वर्ड के अंदर आपको आंसर देने हैं। ये भी बुक के हैं, दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन हैं, इनमें दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। 26 का जो क्वेश्चन है, वो भी आपकी बुक के हैं, 30 वर्ड 40 वर्ड के अंदर आपको इसके आंसर देने हैं। और 27 का जो क्वेश्चन है, वो आपके 25 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, और ये भी बुक का है। 28 का जो क्वेश्चन है, वो आपके रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, तो रोड सेफ्टी का 4 नंबर आप कमा सकते हो। और ड्रंक ड्राइविंग में आपको इसके बारे में स्पीच लिखनी है 80 वर्ड के अंदर। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।